दोस्तों अभी रिसेंटली मेरे पास इतनी सारी कोस आ रही थी एडल्ट डॉग्स के लिए, क्योंकि भाई आजकल गर्मी है तो छोटे डॉग्स को सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भाई उनकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मोस्टली लोग थोड़े एडल्ट या सेमी एडल्ट डॉग्स को परचेज करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी उन्हीं में से एक हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए अल्टीमेट क्वालिटी का अमेरिकन बुली लेकर आया हूं, जिसको परचेज करके आप लोगों को काफी अलग अलग फायदे हो सकते हैं, जिसके साथ आप लोगों को ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे पपीज का जो स्टार्टर फूड होता है वो कितना कॉस्टली होता है भाई, फिर उनके टॉयज वगैरह, फिर कैल्शियम, मल्टीविटामिन और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं। लेकिन भाई इस एज के डॉग्स को आप लोगों को कुछ नहीं देना पड़ता, बस अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम फूड दो, वो इनके लिए सफिशियंट होता है। और शायद ये चीज आप में से मोस्ट लोगों को पता ही होगी कि छोटे पपीज के फूड में और एडल्ट डॉग्स के फूड के प्राइस में कितना फर्क होता है, क्योंकि पपीज का फूड काफी कॉस्टली होता है और जो एडल्ट डॉग्स का होता है वो काफी कम प्राइस में आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाता है। और गाइस आजकल की इस बिजी लाइफ में हम लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो डॉग्स के लिए निकालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि भाई काफी बार क्या हुआ है कि लोग मुझसे डॉग परचेज कर लेते हैं लेकिन उनके पास टाइम की कमी होने की वजह से वो अपने पपीज की वैक्सीनेशन नहीं करा पाते, जिसकी वजह से पपीज को बीमारी लग जाती है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो प्लीज यार, अगर आप लोग छोटे पपीज को परचेज कर रहे हो तो एटलीस्ट आप लोग उनकी वैक्सीनेशन तो टाइम से कराएं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज उन्होंने इसकी सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखी है एंड साथ में इसके ईयर भी क्रॉप है। वैसे गाइस ये जो अमेरिकन बुली है 7 मंथ्स का हो चुका है, उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल फ्रेंडली है। और वहीं पर अगर बात करें इसके साइज के बारे में, तो भाई ये एक्सेल साइज में जो कि काफी लार्ज साइज के हो जाते हैं। वैसे आप लोग 7 मंथ्स में ही देख सकते हो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है और हाइट भी काफी अच्छी है, तो अभी तो इसकी हाइट और भी जाने वाली है और ग्रोथ भी काफी अच्छी हो जाएगी। वैसे एडल्ट डॉग्स को परचेज करते टाइम ये चीज तो सबसे पहले माइंड में आती है कि यार कहीं अग्रेसिव हुआ, कहीं किसी को काट वाट लिया तो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। और बाकी भाई वैसे तो सबकी अलग अलग पसंद है, लेकिन अमेरिकन बुली हो या फिर कोई और डॉग ब्रीड, मुझे इस टाइप के कलर्स जो हैं वो काफी पसंद आते हैं एंड आई होप आप लोगों को भी ये कलर काफी पसंद आया होगा। बाकी इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ओनर के पास इसके अलावा और भी काफी सारी डॉग ब्रीड मिल जाएंगी, आप लोग किसी को भी परचेज कर सकते हो। और भाई मजा तो आप लोगों को इसका प्राइस सुनकर आएगा, क्योंकि भाई इसके ऊपर आप लोगों को कोई तो खर्चा नहीं करना और ईयर भी ग्रोप है और आप लोगों को इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप लोग स्टार्टिंग से इस डॉग को इतनी एज तक लाते ना, तो आप लोगों का कम से कम लाखों रुपए खर्च हो जाता। पर भाई ये बात भी सच है कि चाहे आप लोग अपने डॉग्स के मेंटेनेंस पर 10 लाख रुपए खर्च कर दो, बट प्राइस आप लोगों को वही मिलेगा जो कि एक्चुअल में उस टाइम पर चला हुआ होता है। उस चीज को कोई नहीं देखता जो आप लोगों ने उस पे खर्च किया होता है, क्योंकि भाई वो आप लोगों का शौक था। तो अब बात आती है कि डॉग आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो भाई ओनर की जो लोकेशन है ना वो है दिल्ली NCR से, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को इस डॉग पर भी शेयर डिलीवरी मिल जाएगी और वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बाकी आप लोग इस बारे में डिस्कस कर सकते हो, बट मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट करके परचेज करोगे ना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग टेम्परामेंट को भी अच्छे से जज कर पाओगे। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो डॉग फुल्ली वैक्सीनेटेड है, एयर क्रॉप के साथ आप लोगों को मिल रहा है, तो उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो 11,000 पीस यानी 11,000 रुपए। भाई प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, बट डोंट वरी प्राइस फिक्स नहीं है, तो आप लोग बारगेनिंग करके प्राइस और भी कम करा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।